नहेमाया की पुस्तक अध्याय पांच नहेमाया की पुस्तक अध्याय पांच। तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कितने तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहे। और कितने करते थे कि हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियां और घरों को बंधक रखते हैं, महंगी के कारण हमें अन्न मिलना चाहिए। फिर कितने यह कहते थे कि हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके लड़के बाले एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं। वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी हो भी चुकी है, हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां औरों के हाथ पड़ी है। यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो? तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भरकर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है, फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है, क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो जो अन्य जाति है वह हमारी नामधराई करते हैं? मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ देते हैं। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जलपाई की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया, अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो उसका सवा भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे उसको परमेश्वर झाड़कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूचा ही जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमेन, और यहोवा की स्तुति की, और लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्तक्षत्र के 20वें वर्ष से ले उसके 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक मैं और मेरे भाई अधिपति के हक का भोजन खाते रहे। परंतु पहले अधिपति जो मुझसे आगे थे वह प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाख मधु और उससे अधिक 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली, और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे, और जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी अच्छी भेड़े व बकरियां थी, और मेरे लिए चिड़िया भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाख मधु भी तैयार किया जाता था, परंतु तो भी
मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं लिया क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख।